हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो वीडियो है ये हमारे इस सीरीज का पार्ट है जिसमें हम कवर कर रहे हैं जेके एस प्रिलिम्स। तो इट्स अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स आपके जेके एस प्रिलिम्स का जो हमने स्टार्ट किया है हमारे हिस्ट्री कॉम्पोनेंट से। ठीक है, हमें पता है जो हमें इंडियन हिस्ट्री कवर करनी होती है जेके पीएससी यूपीएससी एग्जाम्स में, उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका एंशंट होता है एंड आपका मेडिवल पीरियड जो कि आपका फिफ्थ टू फिफ्टींथ सेंचुरी ऑनवर्ड्स होता है। ठीक है, एंड लास्ट में आपका मॉडर्न 15 to late 18th century। तीन पार्ट्स में कवर करनी होती है। जो एंशंट एंड मिडीवल है ये आपके प्रीलिम्स में आता है सिर्फ, ये मेंस में नहीं आता है। एंड जो मॉडर्न है प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट आप समझ लो, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी प्री में भी आती हैं प्लस मेंस में भी आती हैं। जो अभी हम एंशंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं जिसका एक लेक्चर कल मैंने अपलोड कर दिया है, वो सिर्फ आपके प्रीलिम्स में आता है। तो मेजरली कहीं कहीं जहां पे कंसेप्चुअल चीजें होंगी तो वहां पे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी, अदरवाइज मेजरली उसमें हमें सिर्फ फैक्चुअल चीजें जो है वो याद रखनी है एंड वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। ठीक है, पहले मैं आपके चैनल का थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। इस पे मैं कोर्सेज करवा रही हूँ आपके जेके एस एस बी के एंड सिविल सर्विस एग्जाम्स के। ठीक है, तो क्या आपको करंटली मेरी चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है तो आप देख सकते हैं। एक हमारा नायब तहसीलदार का कोर्स चल रहा है, ठीक है, जो स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। एंड केएस का जो मेंस बैच है वो भी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। पटवारी की टेस्ट सीरीज करंटली ऑन गोइंग है एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच भी अगस्त में स्टार्ट होने वाला है एंड जूनियर असिस्टेंट टेस्ट सीरीज भी करंटली चल रही है। ठीक है, तो सारी चीजें अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं एंड ये परचेज करना चाहते हैं, आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको मेरी वेबसाइट पे जाके सारे कोर्सेज जो है परचेज कर सकते हैं। तो कल हमने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया प्री हिस्टोरिक एज ऑफ इंडिया से। प्री हिस्ट्री मैंने आपको बोला, प्री हिस्ट्री ये कौन सा टाइम है जिसके, ये वो वाला टाइम है जहां हमारे पास कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है, दैट मींस कोई रिटन अकाउंट उन चीजों का नहीं है। तो मेजरली हमें उन चीजों के बारे में जो उस टाइम के ड्वेलिंग्स थे, ठीक है, जो उस टाइम के लोग थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, वहां के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, क्योंकि हमारे पास कोई लिटरेरी एविडेंस जो है उस टाइम पीरियड का नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी। फाइन, आज हमारा, मैंने आपको बोला प्री हिस्ट्री में हम पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक में उसको डिवाइड करते हैं। तो आज हम काफी इंपॉर्टेंट और एज की तरफ जाने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज, ठीक है। तो जो ये पीडीएफ है जो भी मैं लिख रही हूँ इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया होगा, वहां से आप ये जो पीडीएफ है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चालकोलिथिक एज जो है ये हम ट्रेस करते हैं 4000 BC to 1000 BC, ठीक है, आपके नियोलिथिक के बाद। अब चालकोलिथिक कौन सी एज है, ये वो वाली स्टेज है जहां पे जो मैन है ही फर्स्ट टाइम यूज्ड द मेटल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो वेयर मैन यूज्ड फर्स्ट मेटल, और वो कौन सा मेटल था, कॉपर। ठीक है, तो जो चालकोलिथिक एज है उसको फर्दर हम इसको चालकोलिथिक कल्चर बोलते हैं। जो चालकोलिथिक कल्चर्स थे इंडिया में स्प्रेडेड, उसको फर्दर तीन हम एरियाज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बातें याद रखनी है, एक तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या था एंड इसको हम, ये वो वाली स्टेज है जहां पे मैन यूज्ड फर्स्ट मेटल, ये आप याद रखोगे। ठीक है, एंड इसको और एक नाम भी बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टोन कॉपर फेज, स्टोन कॉपर फेज। क्योंकि हमारी जो इसे पहली स्टेज थी वो स्टोन एज चल रही थी, अब कुछ चीजें जो स्टोन एज की है वो नई स्टेज में भी कॉन्टिन्यूटी में चलेंगी, कुछ टूल्स जो है स्टोन की वो अभी भी चलेंगे, प्लस हमने मेटल्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए उसको स्टोन कॉपर फेज भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। तो इंडिया में हमारे जो उस टाइम का इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये सारा एरिया था, थ्री मेन चालकोलिथिक कल्चर्स जो है वो देखे जाते थे, थ्री मेन चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया। ठीक है, वो क्या है वो हम तीनों देखेंगे और उनमें से क्यों सिर्फ एक ने ही थ्राइव किया, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है,
चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया, थ्री मेन। अब हम ये थ्री मेन चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया कौन से थे वो देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, थोड़ा हम मैप ड्रॉ करते हैं। ये आज के मैप से तो बिल्कुल रिजेंबल नहीं करेगा 100%, ये उस टाइम का मैप है, लेकिन आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है जिसमें आपके इंडिया का पार्ट भी आ जाता है एंड कुछ पाकिस्तान का पार्ट भी आ जाता है, दिस वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर चालकोलिथिक कल्चर। इसी को हम बोलते हैं हमारी, जो आपने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सुनते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए चालकोलिथिक एज। ठीक है, वो यहां से क्लियर हो गया। सेकेंड, ये मान लो ये वाला एरिया, ये आपका सेकेंड चालकोलिथिक कल्चर है, वो मैं यहां पे लिखती हूँ। तो ये अर्लीस्ट सेटलमेंट है इस फेज की, दैट मीन जब चालकोलिथिक फेज स्टार्ट हुआ तो वो कहां से स्टार्ट हुआ, वो इन एरियाज की सेटलमेंट थी। अब वो एरियाज कौन कौन से हैं, इनको चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स भी बोलते हैं। एक है आपका आहार, ये है आपका राजस्थान में। सेकेंड वन इज ए मालवा। मैं आपको रिविजन भी करवाऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, डू स्टे टिल द एंड। थर्ड वन इज क्या था, क्या था, दैट इज योर नर्मदा वैली। फोर्थ इज जोरवे, दैट इज योर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ऑफ योर चालकोलिथिक कल्चर था। मैंने आपको कहा थ्री मेन चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड हमने ये वाले एरियाज मैंने आपको बताए, ठीक है, एंड थर्ड वन इज योर, इनको बोला जाता है कॉपर होर्ड कल्चर्स। ठीक है, थर्ड वन इज कॉपर होर्ड कल्चर, और वो कौन सा वाला एरिया हुआ, वो आपका है ये जो आउटवर्ड, ये गंगा, यहां से आपकी जो इंडिया करंट इंडिया है, तो आपको पता है जो नॉर्दर्न बेल्ट है, ये वाला एरिया, यही वो है जो एरिया ड्रेन करता है आपका गंगा रिवर। ठीक है, तो गंगा वैली वाला एरिया है ये गंगा, इसके साउथवर्ड्स यहां से नीचे नीचे आपके पेनिनसुलर टिप तक, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है इसको हम बोलते हैं कॉपर होर्ड कल्चर। ठीक है, तो तीन चालकोलिथिक कल्चर्स मेन जो इंडिया में प्रेजेंट थे, देवर योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका ये वाला पार्ट आहार मालवा क्या था जोरवे, एंड थर्ड वन इज योर कॉपर होर्ड कल्चर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखो ये जो तीन कल्चर्स हैं इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ही सर्वाइव किया। इसका रीजन क्या था, क्योंकि जो इंडस वैली थी ये कौन सा एरिया था, इसमें आपके पाकिस्तान इंडिया वो सारे पार्ट आते हैं, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे कौन कौन सा एरिया इसमें आता था। तो बेसिकली ये वैली थी जहां पे रिवर्स फ्लो होते थे, जहां पे एग्रीकल्चर का स्कोप था। ठीक है, एग्रीकल्चर का स्कोप था वहां पे, और अच्छा खासा प्रोड्यूस होता था, कि आप सिर्फ हैंड टू माउथ वाली लाइफ नहीं जीते थे कि जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना कंज्यूम किया और खत्म हो गया, आपके पास सरप्लस रहता था, दैट मींस खर्च करने के बाद भी आपके पास क्या अवेलेबल होता था, सरप्लस। जब किसी भी सिविलाइजेशन में, कम्युनिटी में सरप्लस चीजें आने लगे, दैट मींस जो खर्च करने के बाद भी बचे, उन सरप्लस चीजों से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड। और साथ में रिवर वगैरह तो यहाँ पे थे, अच्छी खासी वैली थी, प्रोडक्शन अच्छी हो रही थी, साथ में ट्रेड भी बढ़ने लग गया। ठीक है, ट्रेड बढ़ा, दैट मीन्स पैसे आए, पैसे आए तो बाकी चीजों पे भी ध्यान दिया गया। ठीक है, बाकी चीजें भी मैन्युफैक्चर आप करने लगे, चाहे वो छोटे लेवल की क्यों ना हो, थोड़ी ज्वेलरी आइटम्स हो गए, डॉल्स हो गई, ऐसा सारी चीजें। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो एरिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें वो सारी चीजें प्रेजेंट थी जो कि हेल्प करती एक सिविलाइजेशन को फ्लरिश करने में। एंड बाकी एरियाज जो थे आपके, जैसे आपका ये वाला बेल्ट हो गया, एंड ये आपका ये वाला बेल्ट हो गया जो हमने यहाँ पे देखा कॉपर होर्ड वाला, वहां पे स्टिकी सॉइल प्रेजेंट थी, रॉकी सरफेस प्रेजेंट थे कॉपर होर्ड कल्चर्स में। इस वजह से ये वाले जो कल्चर्स हैं ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, जैसे कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन चला, ये बहुत ही फ्लरिश किया इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। इतना कि इंडिया की पहली अर्बन सेटलमेंट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही काउंट होती है। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इनकी सिटीज की प्लानिंग कैसी थी, इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ये कितना प्रोड्यूस करते थे, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे।
अब चालकोलिथिक एज की स्पेसिफिकली हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन ऑन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां से आपके मेजोरिटी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो जो ये चालकोलिथिक एज थी, इस एज में किस टाइप की पॉटरी यूज होती थी? पॉटरी ऑफ चालकोलिथिक एज. ठीक है, तो कैसी पॉटरी होती थी? इसको बोला जाता है ब्लैक एंड रेड वेयर. ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है. दैट मींस ये जो एज थी उसमें मोस्टली कैसी पॉटरी होती थी? ब्लैक एंड रेड कलर की. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें भी ब्लैक एंड रेड ही थी, लेकिन उसका क्या डिफरेंस था? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पॉटरी थी दैट वॉज ब्लैक ऑन रेड. ब्लैक ऑन रेड, ब्लैक ऑन रेड का क्या मतलब हुआ? पॉटरी मानो ये है तो अंदर से ये रेड होगी एंड बाहर से ब्लैक डॉट्स होंगे, ब्लैक डॉट्स. ठीक है, एंड जो आपकी ब्लैक एंड रेड वेयर है वो ऐसी पॉटरी मान लो, दैट इज ब्लैक इनसाइड ब्लैक इनसाइड एंड रेड आउटसाइड. ठीक है, एंड जो चालकोलिथिक कल्चर्स थे दे वर अग्रेरियन कम्युनिटीज. चालकोलिथिक कल्चर्स वर अग्रेरियन, दैट मीन्स वहां पे मेजरली क्या होता था? एग्रीकल्चर. अग्रेरियन कम्युनिटीज, और वो मेनली क्या प्रोड्यूस करते थे? एंड दे मेनली प्रोड्यूस्ड वीट राइस एंड बार्ले. तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहां से आपके एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं, इसलिए आपको मिस नहीं करना है. ठीक है, अब मैंने आपको बोला जो कि आपका ये था चालकोलिथिक एज, उसमें तीन मेन कल्चर्स थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सेकेंड वन वॉज चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स, जिसमें आहार मालवा क्या था? जोर्रे एंड एंड जोर्रे. ठीक है, जो का माँ करके भी आप उसको शॉर्ट में याद कर सकते हो, ऐसे याद रख लो इसको. चालकोलिथिक फार्मिंग वॉज योर जो का माँ. ठीक है, ये हो गया आपका जोरवे, ये हो गया क्या था, ये हो गया मालवा, एंड लास्ट वन ए इज योर आहार. तो ये आपके चालकोलिथिक फार्मिंग, एंड थर्ड वन वॉज कॉपर होड कल्चर. ठीक है, अभी हमने उसका कुछ कॉपर होड का डिस्कस नहीं किया, वो मैंने आपको सिर्फ बोला साउथ ऑफ गंगा प्लेन से लेकर वो टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला, दैट मीन साउथ ऑफ गंगा प्लेन से लेकर आपका जो साउथ इंडिया है वहां तक आपका वो कल्चर जो है वो फैला हुआ था. ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कॉपर होड कल्चर के, वो हम यहाँ पे देखते हैं. थर्ड वन वॉज योर कॉपर होड कल्चर. फ्रॉम 435 लोकेशंस, तो जो एरियाज में ये फैला हुआ है कॉपर होडे कल्चर, उसमें 435 लोकेशंस में से कॉपर होड्स, दैट मीन्स कॉपर जो है वो जार्स में फिल किया हुआ, कॉपर भरा हुआ जार जो है वो 435 लोकेशन से डिस्कवर हुआ है. ठीक है, कॉपर होड्स वर डिस्कवर्ड. इसमें आपको एक ये बात याद रखनी है, और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो टाइप की पॉटरी यूज होती थी दे यूज्ड, उसको ओसीपी बोलते हैं, दैट इज योर ओश्रे कलर्ड पॉटरी. ओश्रे कलर्ड पॉटरी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कॉपर होड कल्चर का, जो आपको याद रखना है. ये कौन सा कलर हुआ है? थोड़ा आपका येलोइश कलर होता है, थोड़ा जिसमें येलोइश टिंच होता है. ठीक है, एंड इसका एक सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या था? जब इस पॉटरी को आप हाथ इस पॉटरी पे रब करोगे तो आपके हाथ पे इसका कलर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके ओशे कलर पॉटरी हो गई.
तो यहाँ आपका चालकोलिथिक एज का एक ओवरव्यू जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा रिविजन करते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा। ये देख लो कहाँ गया, ये देख लो। पहले मैंने आपको बोला चालकोलिथिक एज, इसका आप ईयर याद रखोगे 4000 to 1000 BC। ठीक है, ये वो वाली एज है जहां पे मैन यूज्ड फर्स्ट मेटल, दैट वाज योर कॉपर। स्टोन टूल जो थे इससे पुरानी वाली एज में यूज होते थे, वो भी कुछ कॉन्टिन्यू हुए, इस वजह से इसको स्टोन कॉपर फेज भी बोला जाता है। तीन मेन चालकोलिथिक कल्चर जो है इंडिया के वो कौन कौन से हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जहां पे एग्रीकल्चर सरप्लस में होता है, इस वजह से ट्रेड जो है वो भी डेवलप होने लगा, वाटर अवेलेबिलिटी थी, सॉइल वहां की अच्छी थी, एग्रीकल्चर काफी अच्छा चला, तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन ने फ्लरिश किया एंड इंडिया की पहली अर्बन सेटलमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, दिस वॉज ए इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सेकेंड वन वॉज दिस एरिया, ये था आपका जिसको चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर बोला जाता है। इसमें आपके कौन कौन से थे, जोकामा मैंने कहा था, जोर्वे क्या था एंड मालवा एंड योर अहा। ठीक है, एंड थर्ड वन वॉज योर कॉपर होड कल्चर जो हमने फिर आगे डिस्कस किया था। वो कॉपर होड कल्चर में क्या था, 435 लोकेशन से कॉपर होड जो है वो डिस्कवर हुए हैं एंड वहां पे यूज होती है ओश कलर्ड पॉटरी। एंड पॉटरी जो है चालकोलिथिक एज की अदरवाइज कैसी होती है, रेड एंड ब्लैक वेयर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रेड एंड ब्लैक वेयर होती है विद द डिफरेंस दैट देर आर ब्लैक डॉट्स ऑन द रेड कलर्ड पॉटरी। ठीक है, तो ये हुआ आपका थोड़ा बहुत चालकोलिथिक एज का एक ओवरव्यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको बोला जाता है लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब जो आपका चालकोलिथिक एज है उसमें कॉपर यूज होता था, लेकिन सिर्फ कॉपर ही यूज नहीं होता था, और भी मेटल्स यूज होते थे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका ब्रॉन्ज यूज होता था। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। वो क्यों है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट, मैं आपको सारा ये रिवाइज करवाऊंगी जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसीलिए आपको ये लेक्चर जरूर एंड तक देखना है, अदरवाइज ये चीजें जो है दिमाग से स्किप कर जाती हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की। तो बेसिकली तीन ऐसी सेटलमेंट्स थी जिनको काफी एडवांस माना जाता था, एक आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, एक मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन है एंड वन इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसका हम एक्सटेंशन देखते हैं कि कहां से कहां तक फैली हुई थी। एक्सटेंशन कुछ ऐसा होगा, नॉर्थ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्थ में कहां इसका एंड था, जम्मू मांडा। ठीक है, एंड यहां से ईस्ट में इसका एंड था मीरठ, आलमगीर यूपी, एंड आपका वेस्ट में था मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, इसको सुटका गंजौर भी बोला जाता है, सुटका गंजौर। ठीक है, ये आपका ईरान पाक बॉर्डर वाला एरिया है, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, एंड साउथ में ही जाता है आपका महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहां, धाइमाबाद। ठीक है, तो ये एक एक्सपेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये कहां से कहां तक फैली हुई थी। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि छोटी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, इट वॉज अ वेरी ह्यूज सिविलाइजेशन। ठीक है,
एंड इस सिविलाइजेशन को बेस्ट जो है रिमेम्बर किस वजह से किया जाता है, क्या इसमें काफी अच्छा था इस सिविलाइजेशन में, तो इट इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर इट्स सिटीज. ठीक है, बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर इट्स सिटीज, तो इसकी सिटीज काफी अच्छी थी, काफी डेवलप्ड थी. तो हमें क्या करना है, इसकी जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हर सिटी में जो प्रेजेंट थे वो हम देखेंगे. तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर कोई चीज दी हुई होगी और आपको पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस सिटी में ये चीज हुआ करती थी. ठीक है, तो बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर इट सिटीज. हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे सिविलाइजेशन के, फिर हम सेपरेटली अलग अलग सिटीज जो है वो भी हमें डिस्कस करनी है जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, एंड हर इंपॉर्टेंट सिटी का क्या कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा जो एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फीचर देख लो, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था हरप्पा सिटी की टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पा. वो फॉलो करते थे ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न. ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी मकान आके बना रहा था, एक ऐसे ग्रिड सिस्टम फॉलो होता था जहां पे जो लेन्स होती हैं, गलियां कोजे जिनको बोलते हैं, वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी ऐसे. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मकान हो गया तो यहाँ पे एक सेटलमेंट, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो पूरा एक सिस्टमेटिक वे में, एक पैटर्न फॉर्म में जो है टाउन उसकी प्लानिंग हुई थी. ऐसा नहीं है कोई भी आके कहीं पे भी किसी भी गली में मकान बना रहा है. ठीक है, एंड सेकेंडली जो हरप्पन सिटीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरप्पन सिटीज वर जनरली डिवाइडेड इन टू टू थिंग्स. ठीक है, वो किस चीज में डिवाइड होती थी, एक था आपका लोअर टाउन, लोअर टाउन, और एक को बोलते थे सिटेडल, CITADEL. ठीक है, ये सिटेडल क्या था, दरअसल ये वन पार्ट ऑफ द सिटी था, वन पार्ट ऑफ द सिटी दैट वॉज फोर्टिफाइड, वन पार्ट ऑफ द सिटी That was fortified. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सिटी बनी हुई है तो इसका एक पार्ट जो है उस पर अलग से दीवार चढ़ी हुई थी. ठीक है, उसको कंक्रीटाइज किया गया था बाय कंक्रीट वॉल से, तो इसको अपर टाउन या आप बोल सकते हो सो कॉल्ड हाई क्लास लोग जो है वो वहां पे रहते थे, एंड जो बाकी लोग हैं वो लोअर टाउन पे रहते थे. ये भी वॉल्ड थी, इस पे भी दीवार था, दीवार चढ़ी हुई थी, लेकिन वो ऐसे फोर्टिफाई नहीं था जैसे आपका सिटेडल वाला एरिया था. ठीक है, तो ये आपका लोअर टाउन हो गया एंड दिस वन इज योर सिटेडल. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है. और देख लो थर्ड पॉइंट, बर्न ब्रिक्स यूज होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बर्न ब्रिक्स. फोर्थ वन वॉज एक रिमार्केबल ड्रेनेज सिस्टम था इनका, रिमार्केबल ड्रेनेज सिस्टम हरप्पा सिटी का. हरप्पा बेसिकली पहली साइट थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिस्कवर हुई थी. ठीक है, आके हर सिटी का क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस करेंगे. पहले ये देख लो, जो स्क्रिप्ट है हरप्पन्स की, स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन्स, वो पिक्टोग्राफिक है, दैट मींस वहां पे पिक्चर्स प्रेजेंट है, पिक्चर्स के थ्रू हमें बताया जाता है कि क्या लिखा है वहां पे, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन है इट हैज नॉट बीन डिसिफर्ड येट, हैज नॉट बीन डिसिफर्ड येट. ठीक है, तो पता नहीं है बेसिकली उस स्क्रिप्ट में क्या है. तो ये थोड़ा बहुत हरप्पन का था, एंड वहां पे आपको मिलती है ग्रेनरी,
ग्रेनरी, ये बेसिकली क्या होती है, बिग बिल्डिंग्स होती हैं जिनको बनाया जाता है फॉर स्टोरेज। जिससे मैंने कहा एग्रीकल्चर अच्छा था तो सरप्लस प्रोड्यूस होता था, ठीक है, जो वो कंज्यूम नहीं करते थे, तो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था उनको इन ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता था, बिग बिल्डिंग्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। अब हरप्पन सिटी किसने डिस्कवर की थी? इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। ये बेसिकली जो मोस्ट टू इंपॉर्टेंट सिटीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हरप्पा एंड मोहनजोदारो, ये दोनों सिटीज कहाँ पे है, जो करंट पाकिस्तान है, ठीक है, दोनों सिटीज वहीं पे हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला लेक्चर कंक्लूड करते हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट है थोड़ा बहुत सिटीज का डिस्कस करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड रिलीजन कौन सा था, सोसाइटी कैसी थी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेदास वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, वो उसके बाद वाले लेक्चर में स्टार्ट होगा। तो टिल द टाइम मैं अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।